Hello, good morning everyone. So now our next chapter in class 11, that is in chapter 13, hydrocarbons. So what are the meaning of hydrocarbons? Hydrocarbons is the compound which contains only hydrogen and carbons. Hydrogen and carbons के जो compound है ये कहलाते हैं hydrocarbons. अपने अपने daily life में जो देखे होंगे hydrocarbons की जैसे है easy liquid petroleum gas, natural gases, petrol, diesel, kerosene. Clear? That are the compound of hydrocarbons. So now hydrocarbons is classified into three terms, that is saturated, unsaturated and aromatic. Saturated, unsaturated and aromatic. So हम saturated में यदि बात करें तो इसमें आते हैं alkane. एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड्स वाले, अनसैचुरेटेड में आते हैं यहाँ पे एल्कीन ईन, एल मतलब सिंगल बॉन्ड, ई मतलब यहाँ पे है डबल बॉन्ड, एंड थर्ड इसमें हम ले लेते हैं दैट इज एल्काइन, एल्काइन में तो से ट्रिपल बॉन्ड, और एरोमेटिक में आते हैं जो रिंग वाले जैसे बेंजीन रिंग, फिर इस तरह से साइक्लोहेक्सीन या फिर प्रोपीन. एरोमेटिक मतलब जो साइक्लिक रिंग हो उसमें क्या हो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वे कहलाते हैं एरोमेटिक रिंग्स कहलाते हैं. क्लियर? सो हाइड्रोकार्बन्स जनरली ये बने होते हैं ओनली ऑन द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. सीधे एग्जांपल सब लेते हैं CH2 मीथेन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. अभी जब फ्यूजन वगैरह पढ़ रहे थे या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो किसी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अटैच होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन्स नहीं बोलते, वो उसका पर्टिकुलर नेम और फंक्शंस होते हैं. जैसे आप एज के साथ यदि वो एज का टेक कराने के बाद यदि अल्कोहल बना लेंगे इसका नेचर क्या हो जाएगा चेंज होगा. सो हाइड्रोकार्बन में कुछ ओनली द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. एल्कीन्स के लिए हम बात करें तो सपोज ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एन एल्कीन. लेकिन एल्काइन्स की बात करें सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन्स. सो ये जितने प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं सब किससे बने ओनली और कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाँ कोई अदर रिएजेंट के प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा सकते हैं तब उसका नेचर क्या हो जाएगा चेंज होगा तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स नहीं बोल सकते. वो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उसका नेम होगा और उसके नेचर होंगे. क्लियर? सो हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट. सो वी फर्स्ट स्टार्ट द एल्कीन. सो हियर फर्स्ट थिंग एल्केन दैट फार्मूला इज CH2N+2. सो हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर. क्लियर? स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर. सो फर्स्ट देखते हैं इफ एन इज इक्वल टू 1, यदि एन इज इक्वल टू 1 हो जाए क्या होगा एल्केन में हम इसको लिख सकते हैं C1H2N1+2. सो दैट इज इन C2 to the 4 CH4. क्लियर? दैट स्ट्रक्चर इज CH नंबर ऑफ कार्बन 1 सो दैट सेम इज इसमें लिखा जाता है मेथ प्लस ए. आगे इसके नेम में क्या लगाते हैं हम लोग एन लगाते हैं. तो वन कार्बन एटम को बोलते हैं मेथ. वन कार्बन एटम मेथ तो हो जाएगा इसका नेम मेथेन. क्लियर? वही यदि n इज इक्वल टू 2 दैट कॉल्ड एच. सो C2H2+2. सो C2H2+2 6H6. फर्स्ट वी ऑलवेज राइट कार्बन एंड कार्बन. जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन को कार्बन से अटैच कर लीजिए और हाइड्रोजन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि कार्बन की वैलेंस कंप्लीट हो जाए. अगर ये एल्केन बन रहा है तो सभी सिंगल बॉन्ड्स वाले ही बनेंगे. सिंगल बॉन्ड वाले मतलब ये सैचुरेटेड है. देखिए कार्बन की वैलेंस 4 है यहां पे 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 प्रोड्यूस दैट आर सैचुरेटेड मतलब पहले से कंप्लीट है. आप इसमें और कोई भी बॉन्ड्स नहीं लगा सकते. यदि बॉन्ड लगाएंगे तो इसको रिमूव करना पड़ेगा. सो दैट्स नेम इज 8+8 दैट्स नेम इज
क्लियर। वही हम बात करें इफ n इज इक्वल टू 3 दैट्स नेम इज प्रो क्लियर। सो c3 h 2 n 2 3 plus 2, सो c3 h 8। फर्स्ट राइट द अगेन नंबर ऑफ कार्बन 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 एंड कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 8। सो काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में लिखना, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सिंपल बॉन्ड को ब्रेक कर दो। यहां देखिए कार्बन और 3 हाइड्रोजन, इसको आप लिख सकते हैं CH3। फिर क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, यदि नहीं लिखते तो भी चलेगा, सिंगल बॉन्ड को शो करने की जरूरत नहीं होगी। C के पास 2 है तो ये हो जाएगा CH2। आफ्टर दैट C के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3। बॉन्ड लाइन भी बना सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में भी सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है, ये अपनी स्ट्रक्चर हुआ किसका, प्रो प्लस ए इक्वल टू प्रोपेन, प्रो प्लस ए। अब आपके ये होमवर्क क्वेश्चंस है, आप इसी फॉर्मेट में आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर रिड्यूस स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने साथ ही नेम भी लिखना। इफ ए इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10, इतने जो कार्बन है एटम्स उसके ब्यू भी लिखते हैं। 4 के लिए नेम मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, होता है ब्यू, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेड, 7 के लिए हेप्टन, इसको सेव कर लिखते हैं आज का नया बुक्स में आपके लिए। ऑप्ट नोन और डेज, इतने के लिए आप एक एक ग्रुप्स कंप्लीट करेंगे और इसको अपने ग्रुप में सेव कीजिए। क्लियर। अब मैं नॉमिनेशन कुछ दिखाने जा रहा हूँ ब्रांचेस ऑफ, सो आप पहले कॉमन नेम सीखना लिखना आपको आना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आप इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर रिड्यूस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तीनों कंप्लीट करके सेंड करें। अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोमेराइज, आइसोमेराइज में जो होती है जिसका मीनिंग होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन तो फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे हम बात करें यहां पे C4H10 जिसका नेम होता है ब्यूटेन, क्या है ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन में किस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पहले तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। वही हम देख सकते हैं CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, इसका नेम क्या होगा, ये हो जाएगा पायरेट, हो गया ब्रांच में और ये यहां से करेंगे 2, सो इसका नेम हो जाएगा 2 मेथिल सॉरी CH3 2 मेथिल प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन। तो देखिए इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 स्ट्रक्चर, इसको आप लिख सकते हैं आइसो ब्यूटेन लिख सकते हैं, तो भी आपका नेम क्या है करेक्ट। अब हम देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन कितने 1 2 3 4, तो आप लिखिए C4, हाइड्रोजन 3 3 2 5 3 2 5 5 5 10, सो C4H10। इस केस में लिखे गए थे कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 3 9 1 10। देखिए दोनों केस में फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, इस तरह की चीजें हम उसको आइसोमेरिज बोलते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है, देखिए एक स्ट्रक्चर नॉर्मल दूसरा होगा आइसो, क्लियर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं C5H12। तो चलिए इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये किस स्ट्रक्चर, ये हो गया दूसरा नंबर 1 2 3 4 5, ये किस स्ट्रक्चर से, ये यहां पे 1 इस तरह से। चलिए ये
क्योंकि कार्बन से हमारा काई को हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो एच 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 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस आर फॉर्म में डायरेक्ट लिख देते हैं इसको CH3 CH2 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 CH3। यहां पे CH2 CH थोड़ा फोकस करेंगे कि नंबर कितने हैं बॉन्ड के, उसके हिसाब से हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। CH3 CH2 CH3 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 CH2 CH CH3 CH3 इधर। सो दैट सिस्टम इज नोन एज नॉर्मल पेंटेन। इसका आइसोलेशन आपको यहां से काउंट कीजिए 1 2, सो यू गेट 2 मेथिल ब्यूटेन, या हम इसको लिख सकते हैं कॉमन नेम इसका होगा आइसो पेंटेन। आइसो की कंडीशन समझिए, वन कार्बन थ्री कार्बन से सराउंडेड तो आइसो बोलते हैं, यदि वन कार्बन वन से सराउंडेड या टू से सराउंडेड उसको नॉर्मल बोलते हैं, यदि वन कार्बन थ्री से फोर से सराउंडेड तो इसको बोलते हैं नियो। ये होगा नियो पेंटेन। पर इसका आइसो नेम क्या होगा, यहाँ वन और टू टू पे है मेथिल, इसका हो जाएगा टू टू डाइमेथिल प्रोपेन, टू टू डाइमेथिल प्रोपेन कॉमन नेम है नियो पेंटेन। अब किसी मैंने स्ट्रक्चर से हम बात करते हैं बी और स्ट्रक्चर डी, बी और डी। आपको स्ट्रक्चर में भले डिफरेंस नजर आ रहा है कि आप यहाँ पे टू पे लिखिए, मतलब इस पोजीशन से सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब इस साइड से सेकंड नंबर पे दिया है, तो बाकी के लिए सो 1 2 3 4 नेम क्या होगा इसका, ये भी क्या है आइसो पेंटेन। नेम क्या आइसो पेंटेन, नेम इसका क्या हो जाएगा टू मेथिल ब्यूटेन, टू मेथिल ब्यूटेन। अब आप बोलोगे पेंटेन के फोर स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सो दैट इज रॉन्ग। आप या तो बी को लिखो या फिर सी को लिखो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कहा ऐसे पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे तो भी देखिए मेन सिमिलर आ रहा है, यदि मेन सिमिलर आ रहा है तो ये गलत है। यदि नेम में डिफरेंस होता तो गलत, तब आप सही लिख सकते हैं, बट नेम को कॉपी वही से करेंगे जहां से नियरेस्ट हो। ये भी हो गया टू मेथिल, क्या हो गया ब्यूटेन, ये भी क्या टू मेथिल ब्यूटेन, भले आप इसको किसी साइड से लिखें। सो आप ओनली थ्री स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इस स्ट्रक्चर को आप कट कर सकते। सो यदि क्वेश्चन आपके आते हैं राइट द पॉसिबल्स आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन फॉर्मूलेशन, तो आप सिर्फ थ्री स्ट्रक्चर बना सकते हो, मैक्सिमम लिखा जाता है कितने बना सकते हैं, सो नॉर्मल पेंटेन के थ्री स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं। यदि मैं बोल रहा हूँ नेम इसका चेंजेस होते हैं तब उस कंडीशन में आप पूरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे एक कार्बन हो जाए तो वहाँ पे तो आप उसको चेंज कर सकते थे अलग अलग पोजिशन पर, मतलब एक स्ट्रक्चर और पड़ जाएगा उसमें थर्ड कार्बन से जोड़ सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, ओनली थ्री स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्लियर, अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप एक क्वेश्चन ड्रॉ करके लाएंगे, होमवर्क क्वेश्चन ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर, आप जैसे हमें बढ़ाया था आइसोमर स्ट्रक्चर आप C6H14 का स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट कर, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कॉमन नेम भी लिखना है और एक पीसी नेम भी लिखना है, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल से। यदि दो में नेम सिमिलर आ रहा है तो एक स्ट्रक्चर ही बनाना है, दो स्ट्रक्चर नहीं बनाना है आपको, इसके मैक्सिमम कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल्स हैं उसको ड्रा कीजिए और सेव कीजिए।